प्लीज़ सब्सक्राइब सिविल सॉल्यूशन फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बीम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विथ साइड 100 mm इज प्लेस्ड विथ ऑन डायगोनल वर्टिकल इफ द शेयर फोर्स एक्टिंग द सेक्शन इज 10 kN द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज। आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। अभी क्या बोला है? अभी बोला है एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, उसका एक डायगोनल वर्टिकल है। उसका मतलब क्या है? वो रोम्बस शेप में है। अगर रोम्बस शेप में रहेगा तो क्या होगा? आप लोग को क्या मालूम है? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू 9/8 इंटू एवरेज शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज शेयर स्ट्रेस कितना होगा? एवरेज शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू शेयर फोर्स बाय एरिया। शेयर फोर्स कितना बोला है? 10 kN, मतलब 10 × 1000 N बाय एरिया। एरिया मतलब 100 स्क्वायर। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को मिलेगा ऑन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या बोला है? मैक्सिमम स्ट्रेस, तो मैक्सिमम स्ट्रेस का मतलब 9/8 इंटू ऑन, मतलब 1.125 N/mm। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पिजोमेट्रिक बार व्हेन सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग अज्यूम द शेप ऑफ। आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, आर्क ऑफ सर्किल। देखिए हम लोग जब कोई पिजोमेट्रिक बेम का प्योर बेंडिंग का बात करते हैं ना, तो अभी फ्लेक्चरल फॉर्मूला अप्लाई होता है। फ्लेक्चरल फॉर्मूला में क्या है? एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। आर मतलब क्या होता है? रेडियस। किसका रेडियस? कोई सर्कल का रेडियस, मतलब जो कर्वेचर है वो आर्क हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा आर रेडियस में, इसलिए वो होगा आर्क ऑफ सर्कल। फ्लेक्चर का फॉर्मूला प्योर बेंडिंग के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बीम ऑफ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन इज प्लेस्ड विथ इट बेस हॉरिजॉन्टल द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इंटेंसिटी इन द सेक्शन विल बी। आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप लोगों के पास जो पिक्चर है ना, पिक्चर में क्या है? पिक्चर में न्यूट्रल एक्सिस में शेयर स्ट्रेस क्या होता है? 4/3 इंटू एवरेज शेयर स्ट्रेस। ठीक है, मगर अगर हाफ डिस्टेंस में अगर आ जाते हैं आप, ठीक है, मतलब 8/2 डिस्टेंस में आप आ जाते हैं, तो आप लोगों को मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिलेगा। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना मिलता है? 3/2 इंटू एवरेज शेयर स्ट्रेस। तो कहाँ पर मिलता है? न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर मिलता है। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर आप जाओगे तो आपको मिडिल पॉइंट में आ जाओगे। मिडिल पॉइंट में आने के बाद ही आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिलेगा। तो आप लोग के पास जो चार ऑप्शन है उसके अंदर देखिए सी विल बी करेक्ट, अबव द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बीम ऑफ आई सेक्शन 600 mm डीप एंड 200 mm वाइड हैज फ्लेंज 25 mm थिक एंड वेव 20 mm थिक इफ द शेयर स्ट्रेस इन द वेव एट द जंक्शन ऑफ द फ्लेंज एंड द वेव इज क्यू। Then the shear stress in the flange at the junction is। आप लोग के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। तो आप लोग का क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है एक आई सेक्शन है, आई सेक्शन के अंदर में जो वेव होता है ना, वेव और फ्लेंज का जो जंक्शन है, जंक्शन के अंदर नीचे वेव में आपका शेयर स्ट्रेस कितना बोला है? क्यू। आपको मांगा है ऊपर में, मतलब जंक्शन में फ्लेंज में शेयर स्ट्रेस कितना होगा। अभी देखिए शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू शेयर फोर्स इनटू स्टैटिकल मूवमेंट बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू वेट। ठीक है, तो स्टैटिकल मूवमेंट क्या होगा? स्टैटिकल मूवमेंट कॉन्स्टेंट होगा। स्टैटिकल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? स्टैटिकल मूवमेंट का मतलब होता है हम लोग कोई भी सेक्शन में कोई भी फाइबर से के एक्सट्रीम फाइबर तक जो एरिया होगा उसका मूवमेंट अबाउट द सीजी। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर है? जंक्शन में, जो जंक्शन से टॉप फाइबर तक एक्सट्रीम फाइबर तक जो मूवमेंट होगा एरिया मूवमेंट, तो
तो यहाँ पर देखिए जंक्शन से टॉप तक एरिया तो कांस्टेंट होगा और उसका मूवमेंट भी कांस्टेंट होगा, तो इसका कोई चेंज नहीं होगा। शेयर फोर्स इसका भी कोई चेंज नहीं होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्स है इसका भी कोई चेंज नहीं होगा। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? शेयर स्ट्रेस डिपेंड करेगा ओनली द वेट के ऊपर, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेट, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, शेयर स्ट्रेस एट फ्लेंज एट जंक्शन बाय शेयर स्ट्रेस एट वेव एट जंक्शन इज इक्वल टू वाइड ऑफ द वेव बाय वाइड ऑफ द फ्लेंज, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस एट द फ्लेंज एट द जंक्शन इज इक्वल टू 20 बाय 200 इनटू क्यूब, ठीक है, मतलब पॉइंट ऑन क्यूब। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ has at every cross section same। आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए क्या बोला है, एक बीम में अंदर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है एवरी क्रॉस सेक्शन में। अगर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कब आएगा एवरी क्रॉस सेक्शन में, जब वहां पर बेंडिंग स्ट्रेस एवरी क्रॉस सेक्शन में इक्वल होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेयर सेंटर इन द चैनल सेक्शन शोन इन फिगर 10.4 विल बी एट। आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। पहले शेयर सेंटर होता है क्या, शेयर सेंटर इज अ पॉइंट फ्रॉम व्हिच ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड पास देन द देयर विल बी ओनली बेंडिंग नो ट्विस्टिंग, ठीक है। मतलब एक सेंटर है, एक पॉइंट है जहां पर से आप कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड लोड का अगर पास करोगे तो उसके अंदर से बेंडिंग आएगा, कोई टॉर्शन नहीं आएगा, वही होता है शेयर सेंटर, ठीक है। इसको कि कभी कभी बोलते हैं सेंटर ऑफ द फ्लेक्चर बोलता है, काय फ्लेक्चर बोलता है, सिर्फ बेंडिंग आता है बोल। शेयर सेंटर ऑलवेज लाइज द एक्सिस ऑफ द सिमेट्री इफ एग्जिट। अगर एक्सिस ऑफ द सिमेट्री रहेगा तो उसके ऊपर ही शेयर सेंटर रहेगा, ठीक है। अगर एक्सिस ऑफ द सिमेट्री नहीं रहेगा तो शेयर सेंटर इधर उधर हो सकता है। तो यहाँ पर कितना फ्लेक्चर है आप देख सकते हो, शेयर सेंटर और जी कहाँ पर है, जी मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पर वेट एक्ट करता है, शेयर सेंटर में means that point where the load will be passed, no torsion will be developed, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर बोला था आप लोग के पास चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन का मतलब क्या है, देखिए एक चैनल सेक्शन है, जी है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ए से आपका शेयर सेंटर, ए से जी के अंदर जो डिस्टेंस होता है ना, एक भी आपको याद रखना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू टी बाई फोर आई, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आई मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बी मतलब वाइड ऑफ द एज मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, टी मतलब थिकनेस, ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर नो टॉर्सन द प्लेन ऑफ द बेंडिंग शूट। आप लोग के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है आपको बोलना पड़ेगा। देखिए थोड़ी देर पहले हम लोग ने डिस्कस किया था क्या होगा, प्लेन ऑफ द बेंडिंग पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सेक्शन, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। टॉर्शन नहीं रहेगा उसका मतलब क्या होगा, प्लेन ऑफ द बेंडिंग को शेयर सेंटर से पास होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बीम ऑन ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड अदर ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हैव इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इफ सब्जेक्टेड टू बेंडिंग। आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए एरिया सेम है, अगर सर्कुलर सेक्शन का डायमीटर हम लोग डी पकड़ लेते हैं और स्क्वायर सेक्शन का साइड हम लोग ए पकड़ लेते हैं तो क्या होगा, पाई इंटू डी स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये मतलब क्या होगा, यहाँ से मिलेगा 0.88 डी, ठीक है। देखिए अभी देखिए कौन सा सेक्शन इकोनॉमिकल होगा, डिपेंड अपॉन द बेंडिंग, बेंडिंग के ऊपर अगर कोई भी सेक्शन इकोनॉमिकल होकर उसका मतलब क्या है, जहां पर आप लोग को सेक्शन मॉड्यूलस ज्यादा मिलेगा वही आप सेक्शन आपको इकोनॉमिकल होगा। तो आप लोग को देखना पड़ेगा सेक्शन मॉड्यूलस कहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। तो जेड सी मतलब क्या है, सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ द सर्कल, तो क्या होगा, पाई बाई 32 इंटू डी टू दी पावर क्यू, ठीक है। कहाँ पहले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इज इक्वल टू 0.1 डी क्यू, ठीक है। उसके बाद जेड एस मतलब क्या है, सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू बाई 6, मतलब 0.14 डी क्यू। इसका मतलब क्या हो, देखिए आप जेड एस ग्रेटर देन जेड सी मतलब सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ द स्क्वायर इज द ग्रेटर देन ऑफ द सर्कल। देखिए अभी सर्कल से सेक्शन मॉड्यूलस ग्रेटर देन है स्क्वायर का,
उसका मतलब कि स्क्वायर सेक्शन ज्यादा इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्शन व्हिच शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द डायमीटर डी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैक्सिमम सेक्शन मॉडुलस इज। आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिटिकल है कैलकुलेशन करना, ठीक है, तो इसको याद रखना सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसको कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बीम ऑफ ओवरऑल लेंथ एल रेस्ट ऑन द टू सिंपल सपोर्टेड विथ इक्वल ओवरहैंग ऑन बोथ साइड टू इक्वल लोड एक्ट एट फ्री एंड इफ द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ द बीम इज द सेम एट द आइदर एंड देन द लेंथ ऑफ द आइदर ओवरहैंग इज। आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए इसका भी कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होता है, एग्जाम हॉल में करना वेरी क्रिटिकल है, तो इसको भी आपको याद रखना सही है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट 0.152L, ठीक है। मगर ये क्वेश्चन मैं आप लोग को थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। देखिए एक पिक्चर है, पिक्चर में क्या है, एक ओवरहैंगिंग बीम है, ओवरहैंगिंग बीम ए बी सी डी, बी एंड सी द सिंपली सपोर्टेड, ए एंड डी विल बी द ओवरहैंग एंड ए एंड डी पॉइंट में दोनों लोड एक्ट कर रहे हैं पी, ठीक है। देखिए अबाउट द सिमेट्री तो रिएक्शन फोर्स भी क्या होगा, पी होगा, ठीक है। तो ए से बी का डिस्टेंस क्या है, आपका ए है, स्पैन लेंथ क्या है एल। देखिए इसका जो डिफ्लेक्शन कर्व है ना उसके नीचे ड्रॉ किया हो तो फ्री एंड में डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा, अगर मिडिल एंड में डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन बोला है डिफ्लेक्शन इक्वल होगा तो आप लोग को ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग को आइडिया होना चाहिए डिफ्लेक्शन एंड जो स्लोप होता है उसका डायरेक्शन कौन सा पॉजिटिव लेता है कौन सा नेगेटिव लेता है, ठीक है, ये आपको होना चाहिए। अगर अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगा तो पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगा तो नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर देखिए मिडिल स्पैन में डेल्टा डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो अपवर्ड हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव, और फ्री एंड में जो हो रहा है वो डाउन हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव। और स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है अगर काउंटर क्लॉकवाइज हुआ मतलब एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेता है, ठीक है, अगर क्लॉकवाइज हो गया तो उसको हम लोग नेगेटिव लेता है। तो बी पॉइंट में देखिए, बी पॉइंट में दोनों दोनों साइड में दोनों स्लोप है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज का ही है। देखिए हम लोग का जो बीम है वो इनिशियल पोजीशन में है, उसके बाद लोड देने के बाद उसका डिफ्लेक्शन से मिला, तो डिफ्लेक्शन से आप लोग को कैसे मिला, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से मिला, ठीक है, तो क्या होगा, स्लोप विल बी एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, ठीक है। हम लोग को एक फॉर्मूला तो आप लोग को याद है ना, डिफ्लेक्शन के क्या फॉर्मूला होता है, डी टू आई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम बाई ई आई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिटिकल होता है तो इसलिए हम लोग ई आई को निगलेक्ट कर दिए हैं, कैसे कि यह हर टर्म में ई आई रहेगा, इसलिए हम लोग पूरा प्रॉब्लम में ई आई को निगलेक्ट कर दिया, मगर असली जो कैलकुलेशन होगा यहाँ पर ई आई रहेगा, मतलब डी टू आई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी एक्स बाई ई आई, ठीक है, मगर हम लोग ई आई नहीं लिखा है, ठीक है। तो अभी देखिए ए टू बी, ए टू बी हम लोग जाएंगे तो वहां पर क्या मूवमेंट डेवलप होगा, वहां पर एक ही लोड है, मूवमेंट का मतलब क्या है, उसका लेफ्ट हैंड साइड में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका मूवमेंट, ठीक है। तो ए टू बी में हम लोग क्या है, एक फोर्स पी एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो माइनस पी एक्स आएगी वहां पर हॉगिंग होगा। उसके बाद बी टू सी में जाएंगे, सेम देखिए माइनस पी एक्स बट बी पॉइंट पे एक लोड आ गया, क्या हो गया, P into x minus a, ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद मिला माइनस पी ए, मतलब ए भी यहाँ पर भी हॉगिंग हो रहा है, ठीक है।
तो अभी देखिए, तो हम लोग बी टू सी में पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ए टू बी में हम लोग आएंगे, ठीक है। तो डी ओ बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी ए एक्स प्लस ई मिल गया, ठीक है। वाई इज इक्वल टू माइनस पी ए एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ई एक्स प्लस एफ मिल गया। दोनों कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट तो आएगा, आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, तो इधर भी सेम माइनस पी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी आ गया, माइनस पी एक्स क्यू बाई सिक्स प्लस सी एक्स प्लस डी आ गया। तो ये चार इक्वेशन को हम लोग नंबरिंग कर दिया, ठीक है। अभी देखिए फॉर्म इक्वेशन पर हम लोग को क्या मिलेगा, एट बी एक्स सोमन ए वाई सोमन जीरो होगा तो क्या मिलेगा, तो वाई सोमन जीरो बार बैठा दिया तो वहां से हम लोग को एफ का वैल्यू मिल गया। मगर इन टर्म्स टू ई, आवर ई को वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या किया, एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू बैठा दिया, तो वहां पर क्या होगा, डी आई बाई डी एक्स जीरो होगा, क्या कि वहां पर पैरेलल है, ठीक है। तो वहां से ई का वैल्यू मिल गया, तो पहले वाले में एफ ई का वैल्यू बैठा दिया, तो एफ का भी वैल्यू मिल गया, ई का वैल्यू मिल गया। तो इक्वेशन फोर से हम लोग को डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला है वो पूरा मिल गया, ठीक है। वाई इज इक्वल टू माइनस पी ए एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस पी ए एल बाई टू इंटू एक्स माइनस पी ए क्यू बाई टू माइनस पी ए स्क्वायर एल बाई टू मिल गया। अभी देखिए एट बी पॉइंट में हम लोग एक्स सुमन ए बैठा देते, एक्स सुमन ए बैठाने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी ए स्क्वायर प्लस पी ए एल बाई टू मिल गया, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। देखिए अभी क्या हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्या बोला था, डी आई बाई डी एक्स एट द बी इज द सेम फॉर द ए बी एंड बी सी मेंबर, ठीक है। तो एक नंबर इक्वेशन में हम लोग डी आई बाई डी एक्स का वही वैल्यू बैठा दिया एट बी पॉइंट में, ठीक है। तो मतलब क्या हो, डी आई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी ए स्क्वायर प्लस पी ए एल बाई टू इज इक्वल टू माइनस पी ए स्क्वायर बाई टू, एक्स इज इक्वल टू ए होगा, ताकि बी पॉइंट है प्लस सी हो गया, सी का वैल्यू यहाँ से निकल गया। निकलने के बाद अभी क्या है, हम लोग एट एक्स इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, मतलब बी पॉइंट में हम लोग डिफ्लेक्शन निकलता है, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, हम पर जीरो हो, उस फॉर्मूला से हम लोग को डी का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो डी का वैल्यू मिलने के बाद हम लोग को दो नंबर इक्वेशन के में सी एंड डी का वैल्यू अगर बैठा देंगे तो हम लोग को डिफ्लेक्शन का मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग को वाई मिल गया, ठीक है। अभी क्या बोला है, एट फ्री एंड एट द सेंटर दोनों में डिफ्लेक्शन इक्वल है। फ्री एंड मतलब क्या होगा, एक्स में क्या होगा, जीरो होगा, तो एक्स जीरो मतलब क्या होगा, वाई ए इज इक्वल टू टू थर्ड पी ए क्यू माइनस पी ए स्क्वायर बाई एल बाई टू, ठीक है। और वाई मतलब सेंटर, सेंटर का मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू, तो वही जो निकला माइनस पी ए एल स्क्वायर बाई एट प्लस पी ए एल स्क्वायर बाई फोर प्लस पी ए क्यू बाई टू माइनस पी ए स्क्वायर बाई एल बाई टू, ठीक है। तो ये मिल गया, हम लोग पहले ही बोला था सबके अंदर ऑन बाई ई आई रहेगा, तो ये कांस्टेंट लेगा, कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लिखा नहीं, लिखते तो थोड़ा बड़ा हो जाता, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता, देखने प्रॉब्लम होता, ठीक है। तो अभी क्या हम लोग थोड़ी देर पहले क्या बोला था, डाउन और डिफ्लेक्शन विल बी नेगेटिव, अप और डिफ्लेक्शन विल बी पॉजिटिव, उसका मतलब क्या, y इज इक्वल टू माइनस y, तो y का जो वैल्यू है, y का जो वैल्यू बैठा दिया, बैठाने के बाद एक कैलकुलेशन कर लिया, कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को a का वैल्यू मिल जाएगा 0.152L, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो ऐसे मिल जाएगा, कैलकुलेशन बहुत बड़ा है तो इसको आपको याद रखना सही है। प्लीज सब्सक्राइब सिविल सॉल्यूशन फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड प्रेस द बेल आइकॉन।